आशीर्वाद दे दिया कर, वहां तो शर्मा आ गया लग रहा है। और के सुन तो ले, ये बैठी कुर्सियां पे माले को असली की बैठी, मेरे गाने लग रही देख। तेरा कौन? एक बार आया था वीडियो बनांदा, बनाया ब्लू कलर देखा अपनी है, पर फिर गया गाड़ी उधर उड़ा। फिर दिखानी तो सारी चीज पड़ेगी ना। रितु ने लगन लग रही ठंडी ठंडी हवा और इन पहाड़ छा का मजा, बोली खड़ा रहो मैं यार बोली। और सबसे मजेदार सीन तो इस वाला है गाइस, इसलिए हमने ये रूम लिया भाई। देखिए जमा बच्चा नहीं हरकत लग रही करना है। हाँ जी सारे भाइयों में राम राम, स्वागत आपका अपने YouTube और Facebook चैनल पे। आइए सब बड़े होंगे भाई, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और टाइम है फिलहाल का जो सवेरे सवेरे के 6:15 है, और 6:15 तो पहली पहली आप नहाए देखे ना, रेडी हो गए हैं बिल्कुल। और चप्पल भी साथ में उठाए ले हैं भाई अपनी, क्योंकि यह भी रखनी जरूरी है अपना साथ में, अपना इन बिना काम नहीं चलेगा अपना। और या यूट्यूब लग सुना नहीं रहे हैं, या तो बस काम का लग रही है लग। बाकी यार तू सोती होगी, ये तो इतनी तो कोई काम को नहीं, और आपका ठाया और सवेरे सवेरे नहाए थे गंदा रेडी हो गया था, इसका बाद कई बजे कोई कड़िया जाओ। तो चैनल बस इतना नए भाई है ना, चैनल ना सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, और बेल आइकन जरूर दबा दिया करो, क्योंकि बिना बेल आइकन अपना नून मेरा पड़ता कि वो लोग किस टाइम है लिया अपना। चप्पल भी रख दिया कि मेरा कोई काम आने लग जाएगी। हेलो यक्ष बेबी, गुड मॉर्निंग, राम राम, उठ्या? चल फिर खेले भाई इतना। और भाई और ये देखो भाई के हाल में चार गया गाड़ी में, मतलब केले खा के ना भी पापड़ भी बाहर नहीं डाल सकते गाड़ी के अंदर रख रखे भाई। ये तो मैं नहीं देख रही है, नहीं तो ये बांस लाग जा मारन। फिर बच्चे काम देखो भाई, नारा नारा फोन लाए पड़े एक तो यार, सारा दिन फोन। अरे क्यों फोन के माँ, बोतल भर ली माँ पानी की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाइस हो गए हाँ भाई रेडी, एक बैग ठह लिया अपना भाई कपड़े का, तो माँ आज एक बैग का बैग की जरूरत पड़ा माँ, उड़ा कपड़े कुपड़े तो चेंज करने पड़ा, गर्मी का टाइम हो रहा है। हैं कहाँ का प्लान है, कहाँ का प्लान है भाई? अरे आज माँ कटरा गई माए, आज कटा रहेगी तो बुराएगा, जाओ हमने कि मैं आशीर्वाद उशीर्वाद तो दे दे। जाओ लेकर आशीर्वाद दे दिया कर, मैं तो शर्मा आ गया लग रहा है। और के आशीर्वाद जरूरी है बड़े का, कहीं भी बाहर जाओ पे। और गड्डी अपनी भाई बिल्कुल तैयार खड़ी है, तो चलो चलते हैं गाइस। पहले तो मैं बैग रख लियो भाई डग्गी के अंदर, डग्गी में क्या जरूरत है, वहीं रख लें, और तो कौन इतने इसमें भाई। निकल लिए हाँ हम गांव से, और मैडम देखो ओला कैडे बैठी भाई, बे जमानो देसी लोग ले रही है भगवान जी। पहली बार देखी, राम राम। जमा देसी लोग ले रही तो भी है गामड़ू को ने क्या करते जीती गामड़ू है अगर है भाई। आज का जमाना देखे नहीं, क्योंकि जमाना है और आ रहा नहीं, तो ओला में दिखने लायक जाने फिर। और एक सबसे बड़ी खासियत है गाड़ी में बैठ के ओला, चल ऊं तो ले कैट ले कोई बात नहीं भाई, कोई मनस की शर्म हो गया करा है, लेकिन गाड़ी में बैठ के नो लगा तो को तू कौन मनता मेरे हिसाब से। तो भाई आज मेरे तो खोल दिया अभी हां, तो गाड़ी की हवा हुआ चेक करवाऊंगे भाई। और आज जाना आपने बिल्कुल लंबा रूट पा, आज का व्लॉग तो मेरे हिसाब से मनन लगा चढ़ लग मारा हो इसका ट्रैवलिंग का ही रह जे वैसे नहीं। ना ना बीच में भी बहुत कुछ है देखने का, है तो बहुत कुछ है, सरप्राइज मेरे खातिर भी है, थारे खातिर भी है, देखते रहियो के ऐसा कह तो आए थे आज सवेरे उठ दे मेरे हां बिल्कुल। अरे टायरा में भाई हवा चेक करवा ली मैं एक बार अपना भाई की दुकान है सुखदेव की। आज हमने कुछ नया सोचा था, तो मौसम देखो आज किसा कर दिया है भाई, यो भी मतलब है एक चीज तो मानना जाए हमारा पूरा साथ दे हुआ है, और एक साइड तो देखा नहीं यहाँ पे, तो फिर नू जे जनू यार इसे चीज तो पेंडा छुटान जा रहे हैं, यही चीज आज एड कर दी। कसूती ठंड हो रही भाई, एक आज बाहर का मौसम ठंडा है, और आज प्लान भी बाहर का है, बताया ना कड़ा का है यार, मैं बताऊं मेरे पे कुंदर रह जाता है, फिर जरूरी थोड़ा है बताना, हमने बता दे चल, वैसे भी बता दे टाइटल और थंबनेल देख के मेरा बटे जाओ। और भाई मामे भी इस वो लोग ना कोई सस्पेंस में कुंदर रखना चाहते हैं, मामे आज कड़ा गए तो मेरा पटे जाओ, फिर करना चाहूंगा तो अपन चले शिमला ठीक है। और गए
मेरी जिंदगी का रहोगा भाई, पहली यात्रा या शिमला की। पिछली बार गए तो थे जम्मू है। नहीं जम्मू गए थे तो शिमला की तो मेरी पहली है ना। शिमला की तो मेरी। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए भैया कि मैं यूट्यूब पर काम करूँ इस करके ना मैंने मौका मिल गया। नहीं जी कड़ा यार मिडिल फैमिली ने कड़ा जान का टाइम और सारे समझदार भाई तुम सब चीज आ रहा है बाकी बाकी हम नहीं मजा आ रहा जो कर हम भी घूम गया वहाँ और साथ में भाई जितने अपनी फैमिली जुड़ रही नहीं सारे साथ में देखा और भी ज्यादा मजा आओ भाई फिर मतलब हर तरिया के कमेंट करा रवि यार ओडो तो हमने यू मजा लिया ओडो यू मजा लिया तो उसमें भी मजा आया है। नहीं, एक तो देश जिस घूमने तो भाई देखो सारे घूमन जाओ है अपना अपना इंजॉय करा सारे किसी की बेरा भी पटता कि घूमन जा रहे थे लेकिन अपना काम तो ऐसा भाई सारे भाई ना नो बेरा बढ़ जा आज वह फैमिली तो भाई घूमन जा रही है मजा आया जी मिसिंग लगता है ओए हाय हाय तो मन्ना भी आवे कुछ मिसिंग लगता हो तो भाई गड्डी में इंजेक्शन नहीं है तो इंजेक्शन मां में लेके कोनी आए क्यों कोनी लेके आए वाह मेरे तो ज्यादा यह बताओगे क्योंकि तंग तो मन नहीं करे वाह भी आने बाड़ा कहना तो मैं बैर का कुछ भी खाते तो कर रहे बहुत मुश्किल फोन दे देगा रोटी की मुर्गी खिलानी पड़ेगा तो हमने सोचे सर कर रहे ठीक है ना उन्हें कुछ भी देखने का बेरा ना उन्हें कुछ भी बैर जाए कर इंजॉय करने का बेरा ना उन्हें ही बेत नहीं समझ तो पिछली बार जब जम्मू गए थे नहीं मन तो आज जोड़ दी थी अगली बार करिए जाऊंगी मैं तो कर जाऊंगी मैं देख रहा इनकी बार मम और सब तो बड़ी बात और कबरों से तंग तो वह थोड़ी सी करेगी क्योंकि सब तो बड़ी बात तो यह है भाई अगर जो बच्चा शरारत करता हो नहीं तो वो धमकाया भी हो जाता चाहे अपना और चाहे दूसरा का क्योंकि बच्चा तो देख उसमें मासूमियत चेहरा में इतनी हो कि आप धमका ही नहीं सकते फिर वो है परेशान करे जावेंगे फिर मैं भी परेशान हो जाऊंगी मैं उन्हें धमकाऊंगी कई बार गुस्सा में ऐसा हो के ब्रथ पड़ चक्कू भी लग जा फिर नहीं हो जो जो देखिए पहले परेशान हो रहे उल्टा और ही ना परेशान करने और इसका अच्छा तो वही करे सनियाना नहर पे पहुंचे थे मामे भाई यार ये देखो आंधी जबरदस्त है ये मौसम एक नंबर कर दिया और नहर भरी चल तो शिमला है डे रहा था फिर चलो भाई थोड़ा गैप दे दे के ना वीडियो बनाए क्योंकि वो लोग बहुत बड़ा जगह आज बढ़िया रास्ते में अगर कोई देखने की चीज होगी तो वह बढ़िया लोकेशन दिखाऊंगे आपने टाइम में फिलहाल का भाई जो 9:30 हो गए हैं तो फिलहाल में यहाँ दणोदा तक आग लिखड़े हैं और ऐडा बारिश चलू होगी है इस टाइम अपना बारिश होगी दिखे मैं साथी कॉमेंट करके जरूर बता दी और मौसम देखो भाई फिलहाल का कितना जबरदस्त वाला एरिया है वैसे बारिश करके ना मौसम तो बढ़िया कर दिया रही तो क्योंकि एक तो लंबा सफर पर जो गाड़ी चल रही नहीं गर्म भी को नहीं अगर सही है मौसम का भी इंजॉय आ जाएगा और भाई सारा सफर का भी इंजॉय आ जाएगा प्रकृति की देन देखो 100 मीटर पाछा तो बारिश थी और ऐडा बिल्कुल रोड सूखा पड़ा है और बारिश जड़े भी गुने भाई तो के अंदाजा लगा इस कहां पे ऊपर वाला जद तक गए करे कहीं धूप कहीं छाया बल्ले ऊपर वाला के माया भाई क्यों दिहाड़े भर रही है इसके ले भाई रे तू टोल कटवा हुई चल पड़ा चला क्यों नहीं अगर इन बत्ती है गिरा इधर ले अपना ठेके ना वो सिस्टम सही है जबरदस्त वाली बारिश आ रही भाई कुछ भी कौन दिखता आग है ये देखो पूरी नू हवा के साथ मेरी बारिश और मां नवी वसैनी वाली दरिया भाई कसूती फिटिंग आ रही है तो जी तो इस मौसम में तो है ना भाई जो कोई देसी ढाबा मिल जाए जो अगर देसी मामे है अगर देसी है ढाबा मिला तो एक बढ़िया वाली चाय का प्रोग्राम है जी और भी रहनी पेट जी जबरदस्त भाई कुछ भी नहीं दिखता भाई एक बार तो एक गाड़ी बराबर में को क्रॉसिंग ले और पानी पे रहनी कई हिसाब था है और उसका जो सीधी बाल्टी को मेरे अगर शीशप है नू शीशप आया मन ने भी एकदम देनु गया उतरी मोल लग गया होता है एक मैं तो भाई है तो रहा मजा सफर का लेकिन बारिश घनी ज्यादा है रही यार इतनी नहीं होनी चाहिए अगर मिट्टी मिट्टी बारिश होती नहीं फिर मजा आता भाई है मुंह तो तन से नहीं पैर काटने का नजर बिल्कुल सामने रखना पड़ा भाई क्योंकि
पूरी धुंध नहीं आ करती, इस तरह का सिस्टम हो रहा है आगे बस। बारिश आएंगे फिर तो भाई मैं अगर जन बारिश आएगी नहीं, मौसम तो बढ़िया करे रहेगा देखा, फिर तो मैं चंडीगढ़ एंड के आ जाए। और ओड़ा भी तो देखने वाली चीज है। ढाबा की बाट देखते देखते भाई देखते देखते नू सोचा दे नरवाना तो किला लिगड़ते लगे थे देखने नहीं बारिश आ रही माँ को देसी ढाबा मिल जाए। हाँ चाह पियोंगे तो चलते चलते कड़िया ढाबा नहीं मिले भाई, मिले बहुत सारे ढाबे लेकिन इसी लोकेशन पर नहीं मिले, जो मतलब लोकेशन भी को मायने रखा है। और चंडीगढ़ लगभग 35-40 किलोमीटर रहेगी, भूखे लग गए भाई तो खाना ले आएंगे और चाय का मन था लेकिन अब भूख लग गई तो अपने एक ढाबा देखा चंडीगढ़िया का ढाबा भाई, तो इस पर जाके ना खाना वाना लेवांगे और फिर निकलांगे भाई यहाँ से। और गाइस देखते हैं भाई कौन सा ढाबा पर लेवाए खाना, बाकी एड लाइन में है कई है इसे पर चल रही मूर्ति मारती जाएगा ना ऐसा कर रखे है भाई। ये कौन बैठी सुन तो ले, ये बैठी कुर्सियां पे माले को असली की बैठी मेरे गाने लग रही देख। अंदर की बजाय भाई मामे बैठ गए यहाँ बाहर, क्योंकि एक तो अपना जो खुली हवा हवा लगन लग रही है और एक मौसम का भी मजा आ रहा है मामने, बाकी भी यह देखा ही के खाना खुना मंगवाना है उसके बाद में करेंगे शुरुआत। ना मैं नहीं इतनी इंग्लिश को नहीं आती पढ़नी यार, मैं बिरन के मंगवाई दी ट्राई तो के मलाई का पीस है ये लिख रहे थे कपड़ा मार दे भाई एक तो इस पे मेज पे ये सरदार पहली का नौकर रहा है देख के कर आई है यो पहली का नौकर रहा है मारना देख के कर आई है। गाइस मौसम देखो 11:30 का मौसम भी ऐसा हो रहा है कि नू लगा जनू शाम के 7 बजने वाले हैं भाई, हल्का हल्का अंधेरा होने लग गया है बाकी महसूस हो रहा है और फील भी अच्छा हो रहा है भाई इस मौसम में देखते ना। और इसकी लुक है जो जबरदस्त आने लग रही है, मैं तो एक तो इनकी लाइट चसैर की इस करके नू लगा जनू अंधेरा होने वाला है भाई। और पानी लेने आता मैं तो गड्डी से भाई, क्योंकि ये तो भाई फरी के चेप है 20-25 रुपये अपना घर कारों का पानी है और रास्ता में तो ठेर ठोक लिया भाई थी। खाना भी रेडी हो गया ना आ गया है भाई, रायता हो गया और दाल मखनी हो गई और देसी तवे की रोटी मंगाई है वो भी अनचोपड़ी साथ में सलाद हो गया बिल्कुल रकाना बिठा दी मैडम जी। ना भूख जबरदस्त वाली लग रही थी कसम दले ले लिया खाना चला चल फिर। हाँ खाना ले आए हैं गाइस, तो आज तो भाई बिल्कुल मजा आ गया है और खाना लेंदे ही बारिश चालू कर दी है, ये देखो मीठी मीठी फुहार लग रही है भाई। और भाई हम रुक गए थे जीरकपुर, तो एड़ा अपना एक भाई है भाई वो आने लग रहा है लठ अपना बूत देसी बूत एड़ा है वो आ गया लठ भाई लठ है अरे तो सुनेगा तो भाई मारा लठ सो फोन कट के ना राग लग रहा था हूं मान लग रहा यार पीछे मुड़ी आवो उसका फोन बीच में आ इधर आ इधर आ एक बार क्या हाल है जय बाबा की कड़ा कड़ा घूम रहा है लेन गई भी इतना टाइम को नहीं भाई ना इतना टाइम को नहीं तो अरे ज्यादा दूर तो को नहीं माँ एक बार मिल जाएंगे भाई साहब से माँ ना चाह पानी को नहीं माँ मैं पहली परेशान रहे एक तो आगे लग यार 5-10 मिनट रुकना पड़ेगा 10-10 मिनट को नहीं माँ ना एक बार तो नहीं है माँ यार चल दीपक है अपना भाई है माँ को है ओ का काली तो कोई बात को नहीं है चलो चलो सीधा जाऊंगा रोड को नहीं जिस तरह है मेन रोड पे और तो 1.5 किलोमीटर आगे जाए कट राइट साइड में दूसरी लाइट पे लेफ्ट साइड में राइट साइड राइट में बाहर लिखा है मेन रोड पे एक लाइट आओ दूसरी लाइट है राइट होना अच्छा अच्छा राइट होना है चलो फिर दीपक का रेस्ट हाउस पे आ गए थे भाई ये देखो बैकग्राउंड चंडीगढ़ का नजारा ले रहे दीपक भी
बाकी गर्मी उमस सी ज्यादा रही है नी। बाहर निकल के नहीं पाछा तो ठंड हो रही थी बढ़िया, बारिश बुरिश हो रही थी भाई, बढ़िया वाली ठंड हो रही थी। और सारा एक काम दिखाऊंगा मैं अपना, ऐडा यू सिस्टम हो रहा है, सारे रूम का अलग अलग मीटर पाओ ऐडा। ठीक है प्रधान जी, चला फिर। ठीक है और कुछ है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आएगा, मजा आएगा जमा बिल्कुल भाई, तो मिल गया ओका भी पी लिया और सारा सिस्टम जो ओका ही पूरी जी मैरी दी बल्ले बल्ले है। ठीक है फिर ओके। और ले भाई चल पड़े हाँ दीपक दौरा था ओका ओका पी के ना, और बढ़िया रहनी ही आएगी ये, फिर काटा थोड़ा सफर और झटका पे से जे अने वाड़ी में अपन बस के चीज था, अपन ओका चाहिए था उसे का मेरे आया था, मैं और गया या तो है 500 मीटर था यार, कुछ ज्यादा तो घूमता यू नहीं है। और है देखो यार वहा कौन आ कर दी, एक इंस्टाग्राम पर वॉइस आ कर कौन हरियाणा के जाट है तो कभी ना तो देखो मेरे यहाँ जाओ जी, मैंने बिन्नी पे पूछ लिया के कहना है तो आप बोर्ड भी देखे लिया होगा, खैर शिमला का लागे तो थोड़े नेड़ा दिखन तो लागे थोड़े थोड़े पहाड़ सिर बिन्नी कहा मारा बकवास है तू पढ़ांगे माटी बटली रखी है ये पहाड़ थोड़े है, बाकी भाई चलू हो गए है बड़े बड़े पहाड़ और वादिया और यू मौसम पूरा इंजॉय लेना भाई यार, तो उधर बच्चे को क्या करता है इंजॉय, वहां मेनू इंजॉय लेना यार शिमला तो लगभग 65-70 किलोमीटर पाछा एड ह्यूमिडिटी हो रही ज्यादा और ओडो तो शिमला बना रह गया नरवाना कैथल तो पूरी बारिश ठोक रही थी भाई, शिमला आवे भी है उड़े काम में तो कौन थी उरा बना ले वीडियो कह दी जंदड़े शॉर्ट वीडियो मैं रील बनाऊंगी उड़ो खटियो के तो क्या के होंगे थाम ने भी दिखन थोड़े थोड़े थाम की देख सको पतड़ा में। ये देखो गाइस पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा भाई, तरला तरला दिखे इस तो ऊपर भी है थोड़ा थोड़ा दिख रहा है सामने तो दिख रहा है कैमरा में खूब दिखता है। बाकी ये देखो प्रॉपर घर बनाए रखे जमा ऊंची ऊंची चोटियां पे, मैं रीतु तो नु सच सच के टेंशन में रहा मैं अच्छा तगड़ा आराम बरस गया नहीं, अरे अतरली माटी लिकड़ गई ये कड़ा हो और गए हम पहुंच गए हाँ भाई हिमाचल प्रदेश की सीमा पे बॉर्डर पे, तो ऐडा फिर आने यार यू के लगा गया कोई एंट्री ले के हिमाचल की अलग तक कोटोल प्लाजा यू छुटा इनका भी गुन मेरा नहीं उल्टा उरा तने दे के जावांगे वापसी में वापसी थोड़े ले चल लगा दस दस के सिक्के पकड़ाए थे लूट के फिर
चेक करा था बिनी नीचे उतर के गाड़ी भी रही के हो रहा था झटके मरदी चल थी स्टार्ट पंचर पुंचर हो रहा वादिया में घूमिए तू बादड़ा में इस गाड़ी में हमने साइड में लगाई थी भाई यार थोड़ी देर आराम कर दिया था क्योंकि चाय वाय लेके ना और फिर चलना है भाई इतना अपनी गाड़ी भी ठंडी है और पानी पुनी देख के ना बाकी लोकेशन चेक करो आप बैठेगी भाई और ढाबे ढूबे भी इधर आया चाय चू पी लिया भाई इतना अपनी गाड़ी लगा रखी आप साइड में और ये तो घड़ी बाट में है फास्ट फूड का होगी क्या की दिखानी तो सारी चीज पड़ेगी ना वो देख काम का कड़ लग रहे देख वो देख काम का देख कितनी ऊंचा लग रहे दिखे जामे कैमरामैन फोकस करो है हाँ ये तो तन्ना मजे है रे रवि कह रही तो मजे कौन ले रही भाई बताओ मैं दुनिया पैरी हूँ मैं दुनिया पैरी अरे ब्याह तो रखी होगी मेरे तो मेरे ब्याह नहीं जे कई बार ऊन जुकर भी लागना पै जे पड़जे की ब्याह को नहीं रखी ब्याह तो रखी है तो मेरे तन्नो कौन गंदा जानते तो देख वाह कितनी एंडी एंडी चिड़िया मैं तो लेने के सोचू थी ये छोरी बैठी है रे बता दिए को नहीं कैरपियां की देवे है बिरानी इसकी है बिरानी और किसी की है देखिए अंडिया तो नहीं को 18 रुपया की दे 18 रुपया में दे पिंजरा पिंजरा भी को नहीं आंदा चिड़िया तो कौन दे कितने रुपए का ये पिंजरा 1600 का चिड़िया भी और पिंजरा भी बोलते भी है जोश खाओ ना बोलन भी अब सिखा रखी है या सिखानी पड़ेगी बच्चे आप सुनाने अपने घर में जाओ अच्छा हरियाणवी भी बोल देंगे जेडी मर्जी पैजी बोलो जेडी मर्जी सो कहो के भाषा ओही सिखेंगे जो जो अपने घर की भाषा तने कोई शिकार की गाली नहीं सी या साडे को रोज आनी सोच चल जनी की सिखानी है साडे को रोज आ रहे जा रही है साडे काम बता देंगे कलर ही तो है हां एंड्रॉइड के काम करे बोलो लेना वापसी में लेके जाएंगे अब क्या करेंगे गाड़ी में हम हमें रुक गए हाँ भाई 16 है 10-12 किलोमीटर दूरी पे हाँ लेकिन एड तो जो व्यू पॉइंट आने लग रहा नहीं वो घना कसूता आने लग रहा भाई तो फिर मतलब फील होना चाहिए मामने भी फील होया या चीज देख के ना तो सोचा आप लग भी या चीज दिखाई दे हमें ये देखो गाइस देखो कितना जबरदस्त है यार यूनिवर्सिटी लग गया नहीं हाँ दिखाई करो ये देखो भाई कितने गजब की लागन लग रही है और पूरे बादल हो रहे भाई सारा को मैं को नीचे रोड है और कहीं लग रहा और ये देखो भाई पूरी ऊंची ऊंची चोटी इस साइड तो मामे आए थे एड गाड़ी अपना पार कर ली है और यू देखने का त्री पेड़ा भी रहने भाई के है मेरा समझ में नहीं आया और इसका लग भी रहा देख के लग रही है देखो नूको नहीं होता जुकर उस तरह पाइन एप्पल का आया करा है पाइन एप्पल जुकर है लेकिन पाइन एप्पल का तो है को नहीं मन लग है क्या आने लगे देखे तो डाय ना बड़ी भगवान है गाड़ी के सारे कड़ी है जी हाँ कदे
तो पड़ा तो तेरा चक्कर के हिसाब था यार, लोग मन को यू जाए तो यक्षु को लेके गया धक्का दे गया पावा पक्का क्योंकि भाई सारे प्यार करने वाले भी नहीं होंगे, बहुत सारे लोग जलन वाले भी हो ना, तो मैं भूडी चला और अच्छी तो चल को नहीं, भूडी तो सब तो पहली चलिया करो भाई, ये खास चीज हो है। बाकी पूरा मजा आ रहा है खड़े ना ऐड तो नू ठंडक महसूस हो नहीं गर्मी वाली बात को नहीं। बिल्कुल गाइस मैं तो यहाँ से चलने की कह रहा हूँ लेकिन ऋतु न लगन लग रही ठंडी ठंडी हवा और इन पहाड़ का मजा बोली खड़े रहो मैं यार बोली धूप भी है लेकिन ठंडी हवा लग गया है लेकिन यहाँ खड़े रहो मैं यार 10-15 मिनट और मजा है रे भाई मजा ही लेना है फिर चैट तो बिक जाए फिर फायदा भी क्या है बिल्कुल यही बात है एंजॉय आना चाहिए असली जो जिंदगी की फीलिंग है नहीं वो आनी चाहिए बस या बात छूट को नहीं आओगी इस पे बैठने वाले है बिल्कुल भी नहीं भाई निकल पड़े हैं पड़े तो और सेल्फी वगैरह वीडियो ऑडियो बना ली भाई और रितु तो बोली एक आधी सेल्फी तो इबे लाए थे आधे कि मैं घूमने भी जा रहे हैं बड़ी तोड़ हो रही भाई रितु को भी कभी तोड़ हो रही फोन देगी 8% पटक रहा एक घंटा हो गया चार्ज लाइन है 3 घंटा गाड़ी है आधा घंटा तो बंद है कभी हो गया आधा घंटा तो 1 घंटा पहले लग गया था बंद होने तक फिर ये इसे से करे अगर गाड़ी वाले आहो रहन दे घरां तो फोन चार्ज कौन करके लिया घरां तो आए नहीं जब इसका फोन था 39% चार्ज था भाई रात ना लगाया ना फुल करके ना लिया और फोन ने क्या ना समस्या होती है चीज की अपना फुल था नहीं कभी राहुल 50 बार ले लिया इसका 50 बार यू तो इसे कर रहा है चार्ज है अच्छा इसे ही क्या था करा है ले वा मिनट बिच को गले लग किच किच दूर करा तो मैं ला ले हां मुड़ी सी कम हो 10% कम हो गले फेर ला दे है एक पाई ने पल्ले आऊंगे तेरे तेरे तोड़ के क्या कर ले आऊंगा उधर के ले आऊंगा पैर जाएगा ना पेड़ा चढ़ के तने चटन का दिखे यू पेड़ा चढ़ जूंगा चटन का के दिक्कत है जाएगा नीचे दर चढ़ पेड़ा में नहीं सा दिखे तेरा पोथ में सब ताई तड़ा जावेगा ना बाकी वो दिक्कत नो है जो बोधे है नहीं। सोलन पहुंच गए हैं गाइस और ये देखो भाई सोलन का नजारा ये मकान देखो भाई किस तरह मनर गए हैं मन्ना तो ये बड़े एंडी लागे देख देख ना दूर तो देखा नहीं जो लाल है रे पीले है ना मस्त लागे यार देखिए सीढ़ी नुमा जुकर खेत को नहीं आकर दे नुआ मकान बना रहे यार है बंदर ध्यान रख ये कदम बसंती ठहके ले जी ये देख कुकर हो रहे जाला बगो है कौन है अरे एक तो यू एटीएम चालू करना है एक जो तेरी केबल है नी फोन की चार्जिंग वाली वाह तेरा बड़ा टेंशन है रे केबल की सफर कर कर के ना भाई बिल्कुल थक गए थे तो हमने ले लिया है रेस्ट जगह का तो पता नहीं भाई जाके ना वैसे यहाँ से शिमला रह रहा है कम से कम भी 24-25 किलोमीटर की दूरी पर रह रहा तो अंधेरा होने लग रहा था फिर हमने सोचा भाई के बरा अगर कोई होटल पाओ या ना पाओ तो इससे बढ़िया तो हम यहीं स्टे कर लें तो ऐडा था भाई फाल्कन होटल है और रेट भी लगभग बढ़िया ही लग गया गड्डी की पार्किंग अपनी ऐडा है शक्ल का तो रेट देख सारा दिन हो गया सफर कर दिया ना तो थोड़ा फर्क है बाकी अंदर तो जो रूम देखा था नहीं मैंने जब शुरू वाला एक पहाड़ देखा था नहीं इतने खुश हो रहे थे जो बिरयानी के शिवलिंग के दर्शन ओए पहाड़ जो सा मनु को दम आए जो किले ही माटी इकट्ठी कर के इतने पहाड़ देख ये व्यू देखो भाई इस टाइम का व्यू देखो और ठंड इतनी बढ़िया कर रखी है इतनी ठंडी हवा चल रही है मतलब कि इन रूम में 5 स्टार पर गए होटल है लेकिन इन रूम में एसी नहीं है भाई क्योंकि मैंने पूछी भी यह चीज है अलग अलग रेटा के रूम है सारे मतलब 1500 तो लेकिन 1000 तो लेकिन और लगभग 3-4 हजार लग के रूम है तो एक में भी एसी नहीं है मैंने ये चीज पूछी भी देख लिया भाई साहब एसी की अड़े जरूरत है कौन क्योंकि एक घंटा पास तो देखी कितनी ठंड हो जाएगी और वास्तव में भाई महसूस भी होने लग रही है ठंड कर रखी है ऐसी बात नहीं एक बार होटल देखो आप बारली साइड का तो खाना खुना का सारा सिस्टम इधर बाकी रूम दिखाऊंगा अंदर जाके ना रूम दिखाऊंगा आपको दिखाता हूँ जी मैं आपको रूम आपने कौन सा रूम लिया है एक चीज पसंद
उसमें भी मन्ना पसंद आई, वही चीज देखने तो मन्ना यू रूम सिलेक्ट करे है। और ये एंटर गेट है भाई अपना रूम का जो अपन ले है। तो सबसे पहले बात करा तो भाई आ गया बाथरूम, ये देखो गाइस पूरा स्पेस है, खुला है बिल्कुल, और इधर भी शीशा लग रहे हैं। और अंदर चला तो अंदर सामने आ गया बिल्कुल LED और बेड आ गया भाई, और इस साइड भी शीशा आ गया, और मेज आएगी, अलमारी आएगी कपड़े कुपड़े वगैरह रखने में। कुछ रख भी रखे है या अपने लिए खाली है? वाह, रजाई का प्रोग्राम भी ठहर गया इधर भी। और सामने बिल्कुल LED आएगी, और दो चेयर लग रही है, एक टेबल रखी है भाई, दराज होगी, फोन हो गया है। और सबसे मजेदार सीन तो इस वाला है गाइस, इसलिए हमने ये रूम लिया भाई। देखने वाली चीज है, बाकी बाहर जाएगा ना मैं दिखाऊंगा आपने। चल, इसलिए मैंने ये रूम पसंद आया भाई। बाहर निकट दे बालकनी है, दो चेयर लग रही है, और बाहर का जो सीन है वो भाई अलग लेवल का है। और हवा कितनी ठंडी लग रही है इधर। मेरा फाइनल करण का एक रीजन था कि पूरा थोड़ा सा प्लेन एरिया है, जिन्हें सीधा ढलान होंदी नहीं, ढलान होंदी नहीं, पूरा खड्डा होंदा, फिर ही तो सिलेक्ट कौन कर दी रूम ना। देख देख के आधा जी निकल लंदा और गए दे जो उस जगह को होंदा होटल से उन्हें ऊपर है। हाँ, फिर समस्या हो जाती। बाकी ग्रीनरी आन लग रही है जबरदस्त वाली, पीछे का जो मॉल है भाई। और बाकी सवेरे का टाइम आ उस साइड, हाँ सवेरे का टाइम और भी जबरदस्त, सवेरे का टाइम में देखा है बाकी तो दिखता भी कोई नहीं। हाँ 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 हाँ, बाकी रूम बताइयो आप, आपको कमेंट करके ना कैसा लगा कि रूम, ये जरूर बताना। पहले तो 25-30 किलोमीटर रह रहे, तो मैंने पहले बता दिया था, बीच में गड़बड़ हो गई थी जिसकी वजह से हमने थोड़ा 1.5 घंटा का टाइम एक्स्ट्रा लेके, नहीं तो पहुंच सकते टाइम पर। कोई नहीं, सवेरे फ्रेश माइंड का एकदम चलेंगे और जल्दी पहुंचेंगे सवेरे के, सवेरे चलेंगे भाई हम जल्दी, और जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे ताकि जल्दी पहुंच के ना जल्दी से जल्दी कोई चीज बढ़िया वाली आपको दिखाई जाए, और हम भी देखा भाई जाएगा ना। फिर आज का व्लॉग कर दूंगा एंड इधर ही, थोड़ी देर में करांगी तुमसे, थोड़ी देर में थोड़ा बैर घूम का चक्कर चढ़ रही है गाड़ी। चलो कोई नहीं गाइस, नहा दे के ना दिया भाई, बिल्कुल एकदम मस्त रेडी, और ईद लेके आऊंगे खाना वाना उल्टी साइड ले जा रहा है। तो भाई खाना खुना लेके आऊंगा, और के खाना में मिलेगा अपना चीजा दिखावा। बाहर का मौसम देख कितना कच्चो रहा है ना, बिल्कुल ठंडी हवा चल रही गाइस। और ये देखो भाई बाहर बैठे खाना खा रहे हैं सब, देखिए जमा बच्चा नहीं हरकत लग रही करना है। तो भाई बाहर का मौसम इतना मस्त हो रहा है कि नू जी कर रहा है, मैं तो एंदे ऋतु लग गया कह था, मैं ये खाट जो बहर डे नहीं मैं तो ऐडे से जो इतना मजा आवे। असली व्लॉगिंग मूं देखे नहीं, असली रील चीज तो आई है कैंपिंग है। हाँ, आपका टेंट सा रखा है, बिछाए गए ना सोजे, उसमें खोल गए ना चैन चून लगाए गए। हाँ सुनो, मैं तेरी सुनो, बिल्कुल लेके आएंगे वही। और ये देखो भाई साइड खाना वाना ले रहे हैं सारे, और बाहर भी डिनर कर सकते हैं, रूम में भी मंगा सकते हैं भाई। तो ऐडे माँ में लेवांगे या तो देख चल पड़ी खाना लेने। तो भाई शाम का खाना भी हमारा तैयार हो गया है, लेकिन सुबह का जो खाना था उसमें बस एक फर्क है, रोटी तो वही है बिना चौकड़े उड़ी, और सब्जी है जो वह थोड़ी चेंज कर दी मैंने, सवेरे थी दाल मखनी, अब आएगी मटर पनीर। रितु की इच्छा थी मटर पनीर खाने की, तो देखा हमने हाफ प्लेट मंगवाई रही फुल वर्क कर दी। तो भाई ये देखो मामा, सवेरे अपन क्या करी थी, सवेरे अपन एक प्लेट मंगाई थी फुल, उसमें अभी धक्का तो छूटी थी वह पूरी प्लेट। तो इस करके ना आज
बरी होंगी तो ये दोनो प्लेट फुल ठुकी पांदी तो आप कर रखी दोनों नहीं तो कर रखी इसमत तो आप कर रखी है नहीं तो फुल भरी पाती है और यो भाई जू टैग डे भाई भाई साहब खान तो देख पर मैं शुरुआत तो कर दे ये अपना व्लॉगिंग चैनल है रवि व्लॉग से सब्सक्राइब जरूर कर लियो और वीडियो देखियो भाई सारे कहां से आप नेपाल से नेपाल से आपका राजेश वाओ वेरी नाइस नेम राजेश भाई आ गए यहाँ खाना लेके तो भाई बात तो बिल्कुल थक ली यार कसम तो दे इतना तो सफर और कल्ला जना फिर मैं चलानी है भाई गाड़ी ने तो आज का व्लॉग तो भाई यही एंड करेंगे और जितने भाई चैनल पर नए जुड़े हैं मैं चैनल अपना मैं सब्सक्राइब जरूर कर लिया और व्लॉग जरूर बता दी भाई कमेंट करके ना कि आपको कैसा लगा फिर मिलेंगे एक और अच्छे व्लॉग के साथ में।